अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे गोलगप्पे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 1 कप सूजी, 1 कप मैदा, थोड़ा सा पानी, और इसमें डालने के लिए ये तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक सादा और उसके साथ चाहिए हमें जो हमने इसके लिए खट्टा बनाना है वो इमली। ये तकरीबन 100 ग्राम इमली है, इसको मैंने पहले से भुगो लिया है, और तकरीबन एक जग पानी है। और इस पानी में डालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं, ये ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया था, उसको भूनने के बाद इसका पाउडर बनाया। ये टार्टरी पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सादा नमक और तकरीबन 1/2 टीस्पून ये काला नमक है जी। ये देखें, फिलिंग के लिए टमाटर, आलू, उबले हुए चने, ये मीठी चटनी और ये स्पाइसी चटनी, साथ में प्याज, इनको मैंने नमक लगा के धो लिया है। तो सबसे पहले अब हम इसकी डो बनाते हैं। ये सूजी, मैदा और नमक, इसको शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना इसमें, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, इसको बहुत पतला नहीं करना हमने। ये देखिए, ये हमारी डो तैयार है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल ये सॉफ्ट सी हो गई। लेकिन अब इसको हम या कपड़े से या इस तरह इसको पेपर से ढाँप देंगे। तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, जब तक हमारी डो सही होती है, हम उसी देर इसका पानी बना लेते हैं। पानी में हम भीगी हुई इमली डाल के इसको ज़रा पका लेते हैं ताकि ये गल जाए अच्छे से। ये देखिए, इमली के जो थे वो अलग अलग हो गए और पानी भी तकरीबन पक ही रहा। अब इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं सिवाय काले नमक के, वो हम इसको जब ये सारी चीज़ें डाल के, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो अभी इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फिर इसमें काला नमक शामिल करके इसको हम छान लेंगे और ये हमारा गोलगप्पों का खट्टा पानी तैयार है। ये जो हमारा डो थी वो तैयार है, उसका मैंने पेड़ा बनाया है। ये देखें, इसको हल्का हल्का सा खुश्क लगा के तो ये रोटी कर ली है, बिल्कुल बारीक सी रोटी हो गई है। ये देखें, बिल्कुल बारीक सी। अब इसको हम कोई ढक्कन या कोई गोल चीज़ लेके उसकी मदद से इस तरह करके इसको कट लगा लेते हैं। ये देखें, मैंने जो गोलगप्पे थे वो बेल लिए, मैंने 2 साइज़ कर लिए इसके, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा। तो इसके ऊपर इस तरीके से आप पेपर दे के रख देते हैं या कपड़ा दे दें आप, तो उससे ये होगा कि इसको हवा नहीं लगेगी और ये फूलेंगे सही। और अब मैंने ऑयल रख दिया है, वो गर्म होता है तो हम इसमें डालते हैं। ये देखें, ये जब डालना है तो इसको इसके अंदर डिप करना है। ये देखिए, जैसे ही वो डिप होता है तो वो फूल जाता है। और जो चूल्हे की हीट है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको।
जब हमारा ये मतलूबा रंग देता जाए तो इसको हमने निकालते जाना है। जी ये हमारा खट्टा तैयार है और अब हम गोलगप्पों की फिलिंग करेंगे। ये इस तरह से इसमें सुराख करके ये जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे चने आलू और टमाटर प्याज उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला और इस तरीके से इसकी फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मीठी चटनी उसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ चटनी और सबसे ऊपर थोड़ा सा दही ये लगा के इस तरीके से हम इसको डिश में रखेंगे। ये देखिए नाज़रीन हमारे गोलगप्पे तैयार हैं, फिलिंग भी होगी इनकी। अब इनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से चाट मसाला छिड़का देंगे। ये जो हमारा खट्टे वाला पानी है इसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे क्योंकि जो खट्टा पानी है वो ठंडा ठंडा हो तो ज़्यादा मज़ा देता है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में। तो मज़े की तो बनती है बाज़ार के गोलगप्पों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।